स्पीति वैली। हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में रहने वाली ये जगह हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह है जो फेमस है अपनी हाई पासेस, सुंदर व्यूज, रफ टेरेन्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। वेलकम बैक टू माई चैनल और स्पीति की ट्रिप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीच जिंग बस अपना बेस पॉइंट दिल्ली का। अब यहाँ से अपन को निकलना है शिमला के लिए। तो ये अपनी बस है। हे फोक्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। शिमला पहुँच चुके हैं और काफ़ी रात चुका अपना पूरा। ये तीन गाड़ियाँ अभी खड़ी हैं। दिस वन इज़ माइन फॉर्चुनर और एक स्कॉर्पियो है अपने साथ में। सो भाई, रीच दैट फर्स्ट स्टॉप, यहाँ पे खाडू कैफ़े है नारकंडा के आगे, वहाँ पे रुके हैं। सो द इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट द कैफ़े, द ये है खाडू, मार्क ऑफ द माउंटेंस कैफ़े। ये पड़ता है अपन का विलेज नन्नी में, ठीक है, नारकंडा के ऊपर आएंगे तो। एंड द फूड इज़ गुड यार। एंड लेट्स वेलकम यू टू द कैफ़े। दिस इज़ द रिसेप्शन। ये अपने भाई लोग, ये देखो कितना हेल्दी हेल्दी सेक्सी सेक्सी खाना लिख रहे हैं। लुक एट द कैफ़े एम्बियंस यार, कितना सही एम्बियंस। सारी पलटन बैठी हुई है अपनी। These are the folks, the views, everything. भाई बता रहे हैं अपने कि ड्रोन इज इलीगल, मतलब बाहर से इम्पोर्ट करना ड्रोन इलीगल है। तो आई थिंक सो इलीगल तो नहीं है क्योंकि वो रहता है वेट लिमिट और वो सब रहता है नॉर्मल। कमेंट करके बता देंगे भाई। कमेंट कमेंट करो, बताओ भाई, बताइए ये होता है ऐसा या नहीं। इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर एक्सपेडिशन गाइस। और सारी गाड़ी अब लाइन अप हो रही है। हर हर महादेव। लुक एट द व्यू, क्या सेक्सी व्यूज हैं यार। दिस वैली इज सच अ नाइस प्लेस है। तो भाई साहब पहुंच चुके अपन रेकोंग पियो अभी फिलहाल। कल पास अपने स्टे से बस कुछ ही दूर, कुछ ही दूर। कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है ये। क्या करूं मैं इस जगह पे आके, क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या शॉट्स लूं, रील्स के लिए लूं कि व्लॉग के लिए लूं, क्या करूं। रेकोंग पियो की गलियों में भटकते हुए, क्या सुंदर जगह है यार ये, क्या जन्नत जगह है। एंड वी हैव टू गो देयर, कल्पा ऊपर है, कल्पा वी हैव टू गो देयर। तो अभी तो अपन को जाना है और दूर ही है, 7-8 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। बट दस पीक्स यार, मतलब मन मोह लिया। नीचे सब खाना खा रहे हैं हम लोग, ऊपर आके मैं और भाई ऊपर आके भाग रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। देख रहे हो व्यू, द क्वालिटी ऑफ व्यू भाई साहब, क्या सुंदर जगह है यार। ये अपना होम स्टे, होम स्टे नहीं होटल, होटल व्हाइट नेस्ट। दिस इज आवर रूम। छठा गैंग करने, छठा गैंग, छठा गैंग का रूम है ये। दिस इज क्लोजेट, ये बेड है, ये अपना भाई है, आज साथ में रहेंगे हम लोग। ठंड में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। 10:30 टेम्परेचर -10, सब के सब चाय पी रहे हैं। फोन पर सेशन गाइस, कल शुरू हो जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अनदर डे कल्पा से। और अब हम यहाँ से निकलेंगे टाबू नाको और हिक्केम विक्केम के लिए। तो भाई साहब, वी आर इन कल्पा अभी करेंटली, और
भैया डू लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग और ये सब चीजें करते रहते हैं, एक्सपेडिशन रैली वगैरह ये सब करते रहते हैं. तो ही वॉज जस्ट टेलिंग मी दिस इज किन्नर कैलाश. ये शिवलिंग देख रहे हो, ये दिस वन, दिस इज अ शिवलिंग, किन्नर कैलाश की शिवलिंग है भाई. आई एम नॉट बिलीविंग इट. कितने कितने पास से देखने मिल रहा है दिस. देखा उंगली पे लाता हूँ, दिस दिस इज किन्नर कैलाश की शिवलिंग. भाई साहब व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, मजे ही आ गए देख के. भी भाई मैं करना चाहता हूँ. इट्स वेरी टफ, वेरी टफ. मतलब मौतें होती हैं यहाँ पे, लिटरली मौतें. बह के आते हैं लोग नीचे. आई वॉन्ट टू डू दैट बट या लेट्स सी. पर ये देख के तो एकदम गार्डन गार्डन हो गया दिल भाई. टेम्परेचर इज टू एक्सट्रीम नाउ. हाँ तो बात एकदम जम गए हैं. आई वॉज वियरिंग एयरपॉड्स एंड मैं सोच रहा था कि साला कैप वैप नहीं लगानी पड़ेगी, बट टू टू मच नाउ. ये है सो साइड पॉइंट यहाँ का, किन्नौर का. ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग वो कार वार लगा देते थे. लुक एट इट. कोई तो पकड़ में आया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैसे कैसे आना भाई? पकड़ ही लिया था मैंने. हाँ ऑलमोस्ट आप आई गए. मैं 30 मिनट पीछे था. हुआ कैसे पर? अबे मैं गया. हाँ. मैं पॉटी बहुत चोर की. हाँ. मैं उसको बोला भाई 95 जी मिल रहा है, नॉर्मल सादा तेल डाल दे. हाँ. वो डीजल कर दिया उसने. तो भाई अब निकल चुके हैं अपन टाबो के लिए. 3-4 पॉइंट्स है आसपास के घूमने वाले. सो फ्रेंड्स वो सुसाइड पॉइंट था, सुसाइड पॉइंट घूम लिया. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स टाबो. टाबो में देखते क्या सीन चल रहा है बिकॉज अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं है, बट एक्सट्रीम तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत वहाँ पे पास पास. अभी अभी चेक पॉइंट स्पिति पे और अभी सारी परमिशंस वगैरह दिखाएगा और क्या 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 चल रहा है, कैसे कैसे पूरा कॉन्वॉय चल रहा है बहुत तरीके से. अनुना भाई सबसे आगे हैं, देन वी हैव आर रूबीकॉन वो लगी हुई है बिकॉज इस शुजू से शूट चल रहा है पूरे तरीके से, वो सब चल रहा है और बहुत मजा आने वाला है बहुत. द व्यूज आर जस्ट ऑसम. अभी आपको व्यूज देखने मिलेंगे ना तो समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली. ये इधर है पूरा डेजर्टेड आइलैंड राइट, और उधर देखो स्नो कैप माउंटेन्स. इतना प्यारा सीन चल रहा है ना क्या बताऊं. भाई तो अभी एक ही स्टॉप लिया हो गया है एंड दिस इज द पॉइंट. लुक एट इट भाई साहब, लुक एट द रोड्स. ऊपर देखो स्नो फॉल हो रही है. अनुनय भाई भी अपना लगे हैं. लुक एट that we crave for. Hello. गरम गरम राजमा और चावल. भाई ऑलमोस्ट रीचिंग टाबो नाउ. दिस इज आवर होम स्टे टुनाइट. वेलकम विद कश्मीरी कावा एंड सम ड्राइड एप्पल्स. वो बातें कोई न जाने ये कैसी रातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें. सो हे गुड मॉर्निंग फोक्स फ्रॉम टाबो एंड फ्रॉम आर प्रॉपर्टी. कल रात हम आए थे तो इट वॉज फ्रेश, कोई स्नो नहीं थी, कुछ भी नहीं था. इट वॉज जस्ट बैड लैंड्स बट लुक एट इट नाउ. लुक एट इट, एवरीथिंग इज फुल ऑफ स्नो. ये वाले पहाड़ में अभी भी नहीं हुए बट ऊपर और इधर पे ये वाले में और पीछे साइड पे सब जगह हुई है. ये वाला पहाड़ देखो, तो इज नो एंड. ये वाला हम लोग का रूम था और ये पहाड़ का व्यू यार इतना सुंदर आ रहा था ना क्या बताऊँ. अभी वी विल बी गोइंग दिस माउंटेन. छुप चुका है पूरा बादल से बिकॉज स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की. वो कैमरा वगैरह में कितनी दिख रही है आई डोंट नो बट या इट्स स्टार्टेड. लुक एट
स्टार्ट हो चुका है ड्रिफ्टिंग का सिलसिला। मजा आ रहा है, मौज हो रही, मौज। सेशन हुए थोड़े बहुत ड्रिफ्टिंग के, बट ये मतलब जो टेरेन था जहाँ पे हम लोग कर रहे थे ग्राउंड पे वो अच्छा नहीं था। रूबिकॉन बड़े वाले टायर थे, रूबिकॉन में तो गड्ढे कर दिए, तो बाकी गाड़ियों का फिर अच्छा नहीं आया। सो विल बी फाइंडिंग अ न्यू प्लेस, फिर रैम वगैरह पे वहाँ पे मौज करेंगे। भाई साहब क्या सुंदर जगह है ये, क्या सुंदर जगह, मतलब लाइफ टाइम में, मतलब अभी तक 28 साल की उम्र होते होते आज तक इतना सुंदर व्यू नहीं देखा मैं। एंट्री पॉइंट धनकर, सॉल इन्फॉर्मेशन। और भाई बहुत तेज सांस फूल रही है। ज्यादा अंदर तो नहीं जा सकते, किसने भेजा? अब लोग ऐसे ही चला जाता हूँ ना किसी, ये इतना लिखा है देखो बोर्ड, कहाँ पे लिखा हुआ है अब दिखाओ। देखिए हम आपकी बात मानेंगे, हम नहीं जा रहे ऊपर। देखो कहाँ पहुँच गए हम, वी रीच द टॉप पॉइंट ऑफ मॉनेस्ट्री। स्पिति मोमोज, कॉफी एंड मैगी आ रही है, दैट विल बी हैविंग। चलो खाते हैं और देखते कैसा बना है। चटनी समथिंग एल्स यार, ऑफ मॉनेस्ट्री दिस पापरी को स्पिति दिस पर्टिकुलर वैली। अब हम लोग जाएंगे काजा के लिए, हेड करेंगे, ये है, ये थी मॉनेस्ट्री। वी वेंट देयर एट द टॉप, पर छत में चढ़ने नहीं दिए, तो सिस्टम हो गया थोड़ा सा। वेलकम टू पिन वैली। भाई आ चुके हैं रैंप पे, अन्य भाई तो आगे चले गए हैं, मदद भाई लोग हैं, सब लोग हैं। फंस गई, रुक जाओ, नाली पे है, नाली पे है, नाली पे रुक जाओ। और फंस गई रैम एज यूजुअल। गेट बंद करो भाई, अरे भाई रेस मत देना ज्यादा, पूरा बंद कर दो, चलो भाई ये खींचो। भाई साहब पहुंच गए अपने मड हाउस, दिस विल बी आवर स्टे फॉर नेक्स्ट टू डेज आई थिंक सो। और क्या सेक्सी जगह है, वी गॉट आवर प्लेस 506 इन अ मड हाउस एंड लुक एट दिस प्लेस भाई, जस्ट ब्यूटीफुल। वॉशरूम देखो, स्पिति में आके काजा में आके इतना बड़ा वॉशरूम, ठीक है। नाउ द व्यूज, सम क्रेजी व्यूज कमिंग अप। एक हम लोग का ये होटल है, दूसरा होटल वहाँ पे है। मैं भैया
एंड भैया निकल आए हैं बाहर घूमने। भाई साहब दिस इज काजा मार्केट एंड यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इधर पूरी शॉप्स हैं, कटलरी वगैरह भी है इसमें। तो भाई साहब अपन आए थे एक मतलब यहाँ का कुछ वो लेते ना अपन क्या बोलते हैं यार उसको जो सुवेनियर। तो आई केम हियर टू बॉट अ सुवेनियर। ठीक है सुवेनियर मिला है इस रूप में। कितना सेक्सी लग रहा है ये देख रहे हो। ये देखो आदित भैया के ऊपर कितना सेक्सी लग रहा है। और भैया की दुकान है भैया गुड नेम तशी। ये देखो ये दारू का ठेका है। दारू ठेके के बगल में याक गारमेंट से काजा का। ठीक है और ये देखो कितना सुंदर है अंदर से सब कुछ है यहाँ पे द जैकेट्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे सोविनियर्स भी है। कल आके मैं सुबह में सोविनियर लेके जाऊंगा। ठीक है ना आपसे वो आई लव स्पिति वाला फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह है ना वो सब लेके जाऊंगा। लुक एट हिम इट्स लुकिंग सो गुड मैन कितने अच्छे लग रहे हैं ये। थैंक यू। चलो चलते हैं फटाफट मड हाउस में। जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला हो। भाई गाड़ियों का ये सीन होता है यहाँ पे सुबह। अब देखो हमारी थार है दिस वन इज आवर थार। कल चोट भी लगी थी इस पे एंड गरम करने के लिए लगा दी है। डीजल इंजन है ना आशीष वाली थार रही है। बाकी वो वाली पूरा फ्यूल पंप में डीजल जमा हुआ है तो हाँ 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 ठंड के कारण शुरू हो गया पूरा। बैटरी भी डेड हो गई बिकॉज ऑफ ठंड। अब यहाँ पे पूरा दूसरी गाड़ी लगा दी है अपने स्कॉर्पियो लगा दी है। दो मिनट डालिंग स्कॉर्पियो भाई साहब एक क्लिक में स्टार्ट हुई है। एक क्लिक में स्टार्ट हुई। ऐसे करो ऐसे 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 आशीष भाई ऑन रेस्क्यू और ऑन हिज ओन थार तगड़े तरीके से जंप किया जा रहा है। हाय हाय जय हो। बैटरी की प्रॉब्लम थी हटा दे। देन विल ऑल्सो बी ड्राइविंग टू चीचम ब्रिज। अभी हम लोग करेंगे काजा में है ही हम लोग तो चीचम करेंगे और मॉनेस्ट्री चलेंगे अपन एंड या टू मेनी प्लेसेस टू विजिट नाउ। दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। चीचम साइड जा रहे थे एंड बाइक की गाड़ी रपट रही थी सो वी डिसाइडेड टू पुट ऑन अ स्नो चेन और अभी चला रहे हैं फटाफट लग रहा है। उधर अपना चीचम गांव के पास में 1.5 किलोमीटर है और ये देखो व्यूज चीचम के। ये है चीचम आगे वहाँ पे भी आपको मिलेंगे पापरे को शॉर्ट्स चीचम से। ये नोवा ही फंसी हुई है भाई जी स्नो चेन लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं उनकी। भाई पहाड़ में आए हो तो एक दूसरे का हेल्प करके ही चलना पड़ता है। ए चीचम चीचम ब्रिज फोन में तो भाई दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट चीचम ब्रिज एंड लुक एट इट वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज एट दिस पर्टिकुलर हाइट। देख रहे हो व्यूज कितने कहने हैं। चलो नीचे का भी दिखाई देता हूँ इतना दिखा रहा हूँ तो ये देखो इज नो गोइंग बैक भाई बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसकी टू मच डेप्थ है। देखो दिखाता हूँ भाई बहुत सारी ब्रिजेस देखी बट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव एवर सीन। और इस स्पिति वैली ही मतलब ट्रैवलर्स का क्यों फेवरेट रहता है ना दैट आई गॉट टू नो।
क्या हो गया? नहीं अंकल जी, भाई जी, हम लोग के ग्रुप में है ही नहीं वो गाड़ी। हाँ कौन सा? हाँ नहीं है हम लोग ड्रोन। अरे ड्रोन कौन, हम लोग की गाड़ी में है ही नहीं ड्रोन। आप लोगों ने उस समय मना, हम आपको बता रहे हैं। देखो वहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी हुई थी, ठीक है। एक भाई जी आए, उन्होंने बोला कि भाई जी हम मत उड़ाओ, उसके बाद से हम लोग उड़ा ही नहीं, ठीक है। अभी जो उड़ा है ना, हाँ हमारा बंदे का फोन आया, यार अभी तो कोई गाड़ी हमारी लगातार चल रही है, कोई उड़ाया ही नहीं। हाँ हम लोग का देखो, भाई जी देखो बहुत सारे ग्रुप है ना। हाँ ठीक है, दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो लोग बैठे हुए हैं राइट एट द क्लिफ। ये पूरा स्नो लेपर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्नो लेपर्ड्स वगैरह सब कुछ वो होते हैं, स्पॉट होते हैं। सो यहाँ पे ड्रोन उड़ाना स्ट्रिक्टली मना है। आगे वाले ही नहीं चल रहे ना, नहीं तो आते वक्त तेरा भाई नहीं लाया तेज चला के। yes. अब आगे वाले की वजह से चलना पड़ेगा ना ऐसे ही। मेरा हाथ बार बार यहाँ जाता है बटन, कांच की बटन को। घर में नहीं रहता मेरा घर एमपी में है, गुड़गांव रहता हूँ, गुड़गांव रहता हूँ ना। ऐसे हो गया, मैं इनकी इनकी तरह लग रहा हूँ, यहाँ के लोगों की तरह है ना, ऊंचे नीचे हो गए। तू कटवाया ही ऐसे ना। ए भाई जी ऐसे नहीं करने का भाई जी। वेट तो भाई साहब वी हैव रीच्ड की मॉनेस्ट्री, ठीक है। एंड लुक एट दिस पॉइंट की मॉनेस्ट्री, ये है पूरा रास्ता अपना की का। आगे सिस्टम है भाई, पूरी ऊपर मॉनेस्ट्री है सुंदर सी, कोई भी मॉनेस्ट्री आप जाओगे। सो इट्स रियली टायरिंग, सांस कैसे फूलते रहता हाई ऑल्टीट्यूड में, यू कैन हेयर इट फ्रॉम माई वॉइस। कुछ ज़्यादा नहीं चलाऊँ, 200-300 मीटर चलाऊँ। लुक एट द व्यूज, पापड़ी को व्यूज, स्की मॉनेस्ट्री। ट्रैवल विद आयुष, ASP प्रेजेंट्स यू, की मॉनेस्ट्री। लेट्स एक्सप्लोर की मॉनेस्ट्री। गेट इट, दिस इज ऑल अबाउट मॉनेस्ट्री। पॉज करके देख लेना, देखो मेरे पैर कितने कितने बर्फ में देख रहा हूँ। सो दिस वॉज की मॉनेस्ट्री। ऊपर है अनुने भाई का स्पॉट, वहाँ पे वो बंदा खड़ा है, ठीक है। कहाँ गया वो बंदा, बंदा कहाँ गया वो देखो, वो बंदा है ना, दैट्स अनुने भाई का स्पॉट फॉर दिस मॉनेस्ट्री व्यू। तो सेक्सी लग रहा है राइट, पूरा व्यू। अनुने भाई ये क्या है, क्या है ये? ओके सीधा सीधा आना है, राइट में नहीं लेना, जो बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई 5-10 मिनट का टाइम देना, बस जाओ टाइम मत देना। तो भाई वी हैव रीच्ड लांग। और ये देखो दिलांजा बुद्धा स्टैचू, जिसके लिए फेमस है मोस्टली, ठीक है। एक ये एक और कैफे है, पीस कैफे करके है।
भाई साहब हालत खराब हो गई पर ब्यूटीफुल प्लेस ब्यूटीफुल थिंग्स। Folks, we have reached highest village in world, ठीक है, कॉमिक, और यहाँ पे है highest post office also. This is what highest villages look like, ठीक है? सबसे highest कैफे guys, at Hikkim. Going towards Hikkim. Now we are गोइंग टूवर्ड सिक्किम। भाई साहब बहुत सांस फूल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे अपन अपन लोग, और दिस इज ऑल वाइट, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जाने के लिए, कितना खतरनाक है साला और कितना गंदा है भाई। ये देखो अपन पहुँच गए जहाँ अपन को जाना था। नहीं नहीं अभी अपन सिक्किम आए ना भाई, पोस्ट ऑफिस देखने। दिस इज द गाँव, दिस इज द गाँव दैट वी वर बी विजिटिंग। अनदर अचीवमेंट, we have reached the highest post office in the world, world's highest post office in Hikkim, world's highest post office, and look at the Paperico views guys, look at the views, kya sundar views hai yaar, bhai sab extreme scenes ho rahe hain ekdum, dekho pura sundown ho chuka hai yahan pe, look here bhai, bahut extreme scenes ho chuke hain, bahut extreme scenes, maza aa raha hai, par Ashish bhai ek number gaadi chala rahe hain अभी, आप जहाँ देख रहे हो और यही रास्ता पूरा हम लोग को नीचे लेके जाएगा, जैसे छोटे छोटे टी पॉइंट्स और कैफे टाइप के बने रहते हैं यहाँ पर। देखो रैम की चौचक लाइट चालू हो गई है, देश अगर कोई परेशान है, भाई साहब पहुँच गए हैं अपन, नेदरलैंड है, बहुत सेक्सी जगह, ये देखो फोटोग्राफी हुई। तो सो हे फोक्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा, दिस इज आवर लास्ट डे इन काजा, और आज हम लोग सब निकल रहे हैं काजा से टूवर्ड्स सांगला, सांगला एंड देन वी विल बी गोइंग टू शिमला, शिमला से फिर वापस सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सब वापस से नाको पहुंच चुके हैं और वी आर हैविंग आवर लंच, और सांगला के लिए निकल गए हैं। तो अभी मैंने चिकन राइस खाया और चिकन मोमो खाया, फैंटास्टिक भाई, फैंटास्टिक। एक ये है SSC, ठीक है, एक ये है घोष, और एक दिस वन, ठीक है, एकदम रोड के साइड पर, दीज आर द थ्री। घोष में मत खाना बिकॉज इट्स नॉट गुड, बाकी दोनों में आप ट्राई कर सकते हो, बोथ आर गुड, ठीक है। मस्त, अब मैं कॉफ़ी बनवा रहा हूँ, कॉफ़ी पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे सांगला के लिए। ये देखो काजा में नहीं मिली हमें इतनी अच्छी स्नो फॉल, इतनी अच्छी यहाँ पे मिल रही है, दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। हमारा पूरा कॉन्वॉय तैयार है निकलने के लिए, बट सांगला बोल रहा है कि भाई रुको, वेयर आर यू गोइंग, इतनी जल्दी नहीं जाना है, अभी रुको थोड़ी देर और एंजॉय करके जाओ। तो यार समझ, तो भाई साहब यहाँ पे हो चुका है लैंडस्लाइड एज यूजुअल, और आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। एज यू नो सांगला से हम लोग निकले हैं शिमला के लिए, तो वहाँ स्नो पड़ रही थी और बाकी जगह पूरे नीचे नीचे में बारिश हो रही है, तो बारिश से ये पूरा पहाड़ चला आया नीचे सटाका। अरे भाई साहब पहाड़ आया, वो देखो JCB लगी हुई है पूरा काम करने में, और ये है पूरे व्यूज तरीके के, क्या सुंदर वैली है यार, ये क्या सुंदर। शिमला से अभी हम लोग 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर दूर होंगे, और ये पूरा ये सिस्टम हो गया, अब तो लगेंगे अभी 45 मिनट शायद तक लगेंगे, बिकॉज ये पूरा पत्थर रोड पे आके गिर चुका है, और रोड भी जा चुकी है ना, लैंडस्लाइड पूरा रोड ही चली गई है नीचे।
हे फोक्स वेलकम एंड वी हैव रीच्ड शिमला। ये सुख सागर रेसिडेंसी में सब लोग रुके हुए हैं बट आई हैव टू लीव नाउ फॉर दिल्ली। सो मैंने अपनी बस बुक कर ली थी पहले ही और बस यहाँ पे आने वाली है। तारा डेवी स्टॉप पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ फिलहाल और यहाँ सब बस पकड़ते हैं और पहुँचते हैं दिल्ली। दिस ट्रिप वॉज सुपर फन विद अनन सिंह एंड एवरीवन इन नोमैडिक ट्रेल्स कंपनी। बहुत मज़ा आया एंड बहुत जल्दी एक और ट्रिप प्लान करते हैं इन्हीं लोगों के साथ फिर से। बाय। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं वापस।